आपका माइंड ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल गैजेट्स है, सबसे पावरफुल। इस माइंड को आपने समझ लिया, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में होगा। अब हम विचार क्या करते हैं, कोई भी मिलने आया, अरे बहन मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, हाथ पैरों में दर्द रहता है, भोजन बना नहीं पाती, चला फिरा नहीं जाता, हम तो बहुत गरीब हैं, क्या करें, समस्याओं ने घेर रखा है। यही तो सोचते हैं ना दिन रात। ये विचार ही आपकी समस्याओं की मूल जड़ है। आप बहुत दरबारों में जाते हो, बहुत मंदिरों में माथा फोड़ते हो, बहुत तांत्रिकों के चक्कर लगाते हो, बहुत ज्योतिषियों से कुंडलियां दिखवाते हो। मैं इन सब का सार तुम्हें बता रहा हूं, सारी समस्याओं का समाधान बता रहा हूं। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को अपने काबू में कर लीजिए। नकारात्मक विचारों को अपने आसपास भटकने ही मत दो, और जो व्यक्ति नकारात्मक बात करे उससे दूर हो जाओ। बीमारी में भी कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कहो स्वस्थ हूं। कैसे हो, बढ़िया, आनंद है, कृपा है ठाकुर जी की। तुम बीमारी में भी कहोगे ठाकुर जी की कृपा है, आनंद है, तो ठाकुर जी भी सोचेंगे इस पर मेरा इसको मेरे पर इतना भरोसा है तो ये बीमारी में हटा ही दूं। लेकिन तुम उल्टा करते हो, अच्छे भले कहते हो, महाराज बहुत दुखी हूं, भगवान कहते हैं तो सुख में भी दुख झेल रहा है, तो दुखी पकड़, तुझे दुखी ज्यादा प्रिय है, तू दुखी झेल, तुझे ज्यादा दुखों से प्रेम है, ले दुख तो पकड़ और दुख ले, आस पड़ोस के पड़ोसियों की भी पकड़, तू ज्यादा दुखी है, ज्यादा प्रेम है तुझे दुख से, इसीलिए तो दुख की बार बार याद करता रहता है तू। हम किसका चिंतन करते हैं जिससे हमें विशेष प्रेम होता है, बार बार जुबान पर किसका नाम आता है जिससे प्रेम होता है, और यदि बार बार तुम्हारी जिभ्या पर दुख का नाम आ रहा है, बार बार तुम्हारे मन में मस्तिष्क में दुख का चिंतन हो रहा है, इसका मतलब आपको सुख नहीं दुख ही प्रिय है। और यदि आपको दुख प्रिय है, संसार का कोई वैद्य, कोई गुरु, कोई डॉक्टर तुम्हें सही नहीं कर सकता, मेरी गारंटी है दुख में ही मरोगे। सुख चाहते हो दुख के विचारों को मन से हटा दो, सुख ही सुख मिलेगा। मन से, बुद्धि से दुख की सारी चिंताओं को दूर कर दो, आपको दुनिया में सुख के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। चारों तरफ सुख, चारों तरफ वाला।